हिंदी मासिक पत्रिका और समाचार चैनल की अपार सफलता के बाद अब इंडिया एक स्पीक्स ग्रुप जल्द ला रहा है सबसे सस्ती और भरोसेमंद ऑनलाइन शॉपिंग प्रोड्यू डी लूटे, जहां आपको मिलेंगे देश विदेश के सौंदर्य उत्पाद बेहद किफायती दामों पर। संपूर्ण नगर खीरी के किसानों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लंबे समय से पर्ची न मिलने से और गन्ना घटतौली के साथ आम किसानों का गन्ना खेत में खड़ा है और किसानों को पर्ची के लिए भटकना पड़ रहा है। नतीजा ये हो रहा है कि पर्ची समय से और कैलेंडर के हिसाब से नहीं दी जा रही है। वहीं अगर संबंधित अधिकारियों की माने तो उनका कहना है यानी CCO का कहना है कि गन्ने की पर्चियां बिल्कुल सही तरह से दी जा रही हैं, लेकिन किसानों ने जाकर जब अपनी बात रखी तो वहां पर गर्मा गर्म बहस खड़ी हो गई और उस बहस के बाद किसानों ने जमकर खरी खोटी सुनाई। मुख्य गन्ना अधिकारी ने किसानों को आश्वासन दिया कि 22 मार्च तक भैसोरी और बमनगर का सर्वे होगा और सोमवार से इंडेंट 500 से बढ़ाकर 2000 कर दिया जाएगा, जिससे किसानों के सहयोग की मांग की गई। तब जाकर कहीं गुस्सा है, किसानों का गुस्सा कुछ कम हुआ और उन्होंने इस बाबत आगे शांति बनाए रखने का भरोसा दिया। वास्तविकता ये है कि गन्ना किसानों की समस्याओं को खड़ी करने में किसी हद तक मिलकर अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत बहुत लंबे समय से सामने आ रही है और इसका नतीजा ये हो रहा है कि गन्ना किसानों में बेहद असंतोष फैला हुआ है और ये आक्रोश कभी भी किसी बड़े विस्फोट का रूप ले सकता है। आइए कुछ किसानों से बात करते हैं जो पीड़ित हैं। ये समस्या क्या थी? हमारे समस्या ये है कि बिना बताए ये वोटर काट लेते हैं। किसान ने कैलेंडर के हिसाब से जो है गन्ना छिलवा के रखा था खेत में, वो सूख रहा पड़ा है और घटतौली है जी, तो घटतौली करवाने को पत्ती भी तो दी जाती है जी, उनका जो है 100% गन्ना सप्लाई हो चुका है, हमारा भी 60% खड़ा है जी। तो सीसो साहब ने जो है आपको कुछ इसके संदर्भ में जो है आपको जो आश्वासन दिया? उन्होंने यही कहा कि जो लेबर नहीं है सेंटर के ऊपर जो है वो आप ट्राली दे दीजिए, आपका कोटा बढ़ा दिया जाएगा जी, आपको पत्ती दीजिए। लेबर आप ही से मांगी जी सर? लेबर जो देंगे व्यवस्था है वो कह रहा भी आप ही कर लीजिए, ये करिए वो। लेबर का खर्चा कौन देगा? लेबर का खर्चा तो कोई नहीं देगा जी, किसान ही देगा जी, किसान ही देगा लेबर का। हाँ जी, देखिए समस्या साल में तो करना चलता रहे, समस्या तो कोई नहीं रहेगी, पर्ची की समस्या ज्यादा पर्ची इससे पहले भी किसानों ने आंदोलन किया था, इससे पहले भी किसान आंदोलन कर चुके हैं, उसके बाद फिर दोबारा इन लोगों को आना पड़ा है, ये कब तक मतलब चलता रहेगा इस तरह? देखिए ऐसा है शासन जैसे पहले पुराने गन्ना मूल्य के भुगतान के संबंध में किसानों बाद फिर पुराना गन्ना भुगतान हो गया शासन से, और जो अभी माने गन्ना मूल्य के आदेश है उसको सर्वे कराया जा रहा है, जो किसानों का जहाँ अवशेष होगा उसको फिर भी तो गन्ने की जो कालाबाजारी के सिलसिले में जो उन्होंने बात की उस पर क्या कार्रवाई करेंगे आप? नहीं सर्वे हो रहा है, उसमें जो लोग गलत पाए जाएंगे नहीं कहा जा रहा है ना, जैसे फैक्ट्री के जो कर्मचारी हैं वही ठेकेदार हैं, वही गन्ना खरीद रहे हैं बाहर जाकर के। नहीं देखिए ऐसा कोई संज्ञान है, फैक्ट्री कर्मचारी फैक्ट्री काम कर रहा गन्ना कैसे नहीं, वो किसानों से मिलजुल कर जो सारी प्रक्रिया चल रही है उस पर जो है जाँच तो होनी चाहिए ना? नहीं जाँच तो हो रही, सर्वे जो हो रहा है वो जाँच ही तो हो रही है, और क्या हो रहा है जो 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 व्यक्तिगत जो इन लोगों ने नाम दिया है कि जिस बंदे का जो है कालाबाजारी खुलेआम जो है तौर पे कर रहा है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे आप? नहीं अगर वो सही पाए जाएगी उसके पेमेंट रुकेगा, उसके सत्य बंद हो जाएगा, जो भी लीगल कार्रवाई जो सोसाइटी में किया जाएगा सोसाइटी के सदस्य सोसाइटी अपनी कार्रवाई करेगी। जो जो किसानों के पास जो है गन्ने की पर्ची नहीं आ रही है गन्ना सूख रहा है उसके संदर्भ में क्या करेंगे किसानों के? किसानों की पर्चियां बिल्कुल कैलेंडर के हिसाब से आ रही है जी, कोई नहीं। लेकिन अभी जो है किसानों ने बोला कि 2.5 एकड़ जो है खेत है लेकिन जो है 100 पर्चियां लोगों की बनी हुई है, उसके संदर्भ में क्या है? ये देखिए ऐसा है जिसका इतना बेसिक होता है सर्वे उसी के आधार पर पर्चियां लगी, किसी की पर्ची इस असर में घटाई जाती है न बढ़ाई जाती, जिसकी जो पर्चियां कैलेंडर पर लगी उसी हिसाब से। सर्वे के बाद भी ऐसा कैसे हो जाता है 2.5 एकड़ खेत होने के बाद में 100 काली की पत्तियां दी जा रही हैं, ऐसा कैसे हो जाता है?
अगर जमीन ही नहीं होगी तो उसके पर्ची और सर आप प्रूफ देंगे नहीं, वो ही किसान प्रूफ दे रहे हैं बता रहे हैं तो नहीं सर अगर कोई प्रूफ देते हैं तो जो भी आदमी अगर क्या बताएगा अभी सर्वे के लिए इन्होंने बोला कि जो भी सर्वे होता है वो घर पे बैठ के जो सारा सर्वे हो जाता है किसानों के खेत में तुम लोग जानते हो उसके संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे। किसान का सर्वे जीपीएस मशीन से होता है और बिना खेत पर जाए जीपीएस मशीन नहीं 100% इस क्षेत्र का सर्वे हो जीपीएस मशीन से होता है उसके बाद भी गड़बड़ी हो रही है ना। अब देखिए जब तक साक्ष्य नहीं मिले तब तक आप ही नहीं साक्ष किसानों ने दिया है कुछ नाम भी दिए हैं। नहीं नहीं साक्ष नाम देने से नहीं साक्ष कोई मिलेगा अगर जो दोषी पाया जा सकता है उसमें तो सर्वे हो सकता है ना जैसे खेत है और पर्ची ज्यादा क्यों है तो बिल्कुल सर्वे हो ही रहा जो सट्टे बंद हो रहे हैं उसमें भी जवाब नहीं तय होगी कि क्यों इसे सट्टा बंद गया गन्ना खत्म हो गया पर्ची कहां सर बीच में शिकायत आई फरवरी में पर्चियां डायरेक्टली दी गई तो ऐसा क्यों हुआ जो गन्ना तोलने की जो है साधन जो स्वयं जो अपने घर पे लगा रखे उसका क्या सिस्टम है किसान का